الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل العقدة من لساني يفقهوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے سارے حضرات الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين انتہائی واجب الاحترام صدلے کی ادب و احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں واڈی سکری نمبر 17 رضا آباد کے اندر سرکاری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد کا حسین پروگرام بھائی محمد نشار احمد صاحب اور انہاں دی جملہ ٹیم جڑی ہے اس محفل پاک کا انتظام و اہتمام کرتی ہے میں کئی سالہ تو تہاڈی اس محفل پاک وچ حاضری دی سعادت حاصل کر رہا ہوں اللہ رب العالمین صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد شریف کا میری اور تہاڈی سب دی حاضری نو اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے میری واسطے تواڈی واسطے بالخصوص میزبانہ واسطے اللہ تعالیٰ اس محفل پاک نو ذریعہ نجات بنائے میں اس مرتبہ گزارش کی تھی میری گزارش نو قبول کیتا حضرات نے آپ کا شکریہ نثار صاحب کہنے لگے کہ ایس واری تواڈی خاص تھی انشاءاللہ بیان کروانے تو نہ بالکل بھی ہے نہیں 9:30 دا میرا ٹائم اجے 25 منٹ ہوئے نے ماشاءاللہ اور 8:30 دا بھی انداز دیکھو لاہور تو اسی اس ٹائم تے آئے تو باہر گئے جلسے نو طویل کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے ٹائم دے نال حشاش بشاش انداز دے نال آپ حضرات بات نو سمجھ کے ٹائم دے نال کار جا کے آرام کرو نماز فجر پڑھو گے انشاءاللہ رب بھی راضی مدینے والا مصطفیٰ کی مت سوچو کوئی آیا کہ نہیں آیا آئے یا نہ آئے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں یہ خطیبہ کا نخرہ ہوتا ہے کہ ان مجمع پار جائے کراؤ ٹکی ہوگی عوام ہوگی پھر میں تقریر کرا
अरशद रजवी कोई ऐसी बात नहीं, इंशाल्लाह सरकार के गुलाम अपने आप इश्के रसूल खिंचे चले आए। मैं कुरान करीम बुरहाने रशीद की आयत आप हजरात के सामने पढ़ने का शरफ हासिल कीते, बड़ी मरूफ आयत है, बच्चे बच्चे नु याद है, बल्कि मैं कहना कि याद के बच्चे बच्चे नु है, जितनी मरतबा तिलावत की जाए, जदों भी तिलावत की जाए, आशकां दे सीने ठंड पै जाए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसका तर्जमा समाप्त फरमाओ, हमने नहीं भेजा आपको मगर रहमतल लिल आलमीन, जहान वालों के लिए रहमत बनाकर। इस आयत के अंदर समझदार हजरात बैठे हो, इस आयत में अल्लाह ताला ने सरकारी कायनात की रहमत का जिक्र किया है। रहमत का लफज जेड़ा है रहीम विचो निकलिया, रहम विचो निकलिया। लोगत के अंदर दो अल्फाज बोले जाते हैं लफ्ज रहमत वास्ते, रोंदे नो चुप करण, किसी की अख में अथरू हो गए, तरस आ जाए, रहम आ जाए, उसके सिर से आतरा की कहना ना रो, तेनों रोलिया बल वेख के मैनू रहम आ गया। दूजा लफज यह है कोई मुश्किल विच हो, मुसीबत विच हो, तंग दस्ती विच हो, उसकी तंग दस्ती को जाके दूर करना। यह लफ्ज़े रहमत के उत्ते दोवें चीजों का इतलाक होंगे। सदके जाइए रब्बुल आलमीन तो, जिसने अपने प्यारे महबूब विच एक कमालात रखे, जेड़ा रोंदिया नु चुप करांदा आया ते दुखियां दे दुख बनांदा आया, और मुश्किल ज़दा लोगां दीआं मुश्किलां हल करदा गया। जिन्ने अपील कीती सरकार अगे, जिन्ने गुजारिश कीती सरकार अगे, और रो के अखां विच आंसू बहा के मुसल्ले ते दो रकातां पढ़ के आखे, या रसूल अल्लाह मदीने वाले ने मेहरबानी पहले फरमा छड़ी, सरकार ने मेहरबानी पहले हो गई, सरकार ने रहमतन लिल बोलो ना, रहमतन लिल रल के दोवे घर गल कर लेंगे ना, दोवे घर के परेशान होके बैठ रहे हुजूर ने रहमतन लिल आलमीन। हर कुरान में हरफ के ऊपर अल्लाह 10 नेकियां देवेगा, 10 गुनाह माफ करेगा, 10 दर्जे बुलंद करेगा। हुजूर ने रहमतन लिल आलमीन, और रब भी साडा ओ है रब भी आलमीन। माशाल्लाह समझदार रब बैठी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एदा माना तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफा अल्लाह वास्ते, रब्बिल आलमीन जेड़ा आलमीन पालन वाला है, इहदा मतलब ही आलमीन पालन वाला रब ते जिहड़ी पुत्रां नूं पालदी, रब ते आलमीन नूं पालदा ना, ते जिहड़ी पुत्रां नूं पालदी है, सवेरे उठ के नमाज पढ़ के आटा गुन लैंदी है, और फिर उस तों बाद खाना तैयार करदी है। मेरा दिल करता मैं रजाबाद की 17 नंबर गली में बैठ के कुरान पढ़ा, तुहाडी सीने ठंड पै जाए। रब जहान नूं पालदा ते जिहड़ी बच्चियां नूं पालदी है उहदा भी जिक्र रब ने कुरान विच कीता। मेरा मालिक इरशाद फरमांदा है, अल्लाह पाक ने फरमाया कुल रब्बी रहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਆ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਰੱਬ ਰਹਿਮ ਹੁਮਾ ਕਮਾ ਰੱਬਾਯਾਨੀ ਸਗੀਰਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਮਾ ਰੱਬਾਯਾਨੀ
ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਇੰਝ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਝ ਫਿਰ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਤੁਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਰੱਬੇ ਰੱਬੀ ਆ ਨਬੀ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੱਬ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬੇ ਆਕਾ ਗੁਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬੇ ਰੱਬ ਹੋਣਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਿਫਾਤ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਣਾ ਉਹ ਦੋਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੱਬਾਰ ਹੋਣਾ ਕਹਾਰ ਹੋਣਾ ਵਾਹਦਾ ਹੋਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਮੁਤਕੱਬਰ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੋ ਅੱਲਾਹੁਲ ਖਾਲਿਕੁਲ ਬਾਰੀਉਲ ਮੁਸੱਫਿਰੁ ਲਹੁਲ ਅਸਮਾਉਲ ਹੁਸਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਜ਼ਾਬਾਦ ਵਾਲਿਓ ਅੱਲਾ ਆਖੋ ਗੇਰਾ ਬਰਾਦੀ ਹੋ ਕੇ 400 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਛੱਡੇਗਾ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਗੁਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇਗਾ ਮੈਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਰੀ ਮਸ਼ਰਕ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰਦ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸ਼ਮਤਾ ਆਖਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾਹ 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 ਇਧਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਲਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਸਬੀਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਇਧਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਅਸਮਾ ਦਾ ਜਨਾਬੀ ਵਾਲਾ ਤਸਬੀਹਾਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਣ ਇਧਰ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਵੀ ਜਨਾਬ ਨੂਰੋਂ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨੋ ਲਾਰੇ ਫੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਂਦਰੀ ਤਸਬੀ ਪੀਦੀ ਪਰ ਦਿਲ ਨਾ ਫਿਰੀ ਪਿਆ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤਸਬੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਚਿੱਲੇ ਕੱਟੇ ਪਰੀ ਕੁਝ ਨਾ ਖਟਿਆ ਵਿੱਚ ਪੜ ਕੇ ਉਹ ਜਾਗ ਬਿਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਹੀ ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਹੋ ਬਣ ਕਰੇ ਕੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਵੇਖੀ ਜਾਣਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਗੂੰਗਾ ਨਾ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚਲੋ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਮਾਲ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਤ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਐਤ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਪੜਾਂਗਾ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹਿ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਰੱਬ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਰੱਬ ਹਾਂ ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾ ਇਲਾ ਰਹਿਮਤਲ ਆਲਮੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀ ਰੱਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਤਿੰਨ ਹਰਫ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਦਾ ਰੱਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੀ ਐਤ ਪੜ
रहमत दा लफ्ज पहले आया है, आलमीन दा लफ्ज बाद विच आया है, फैसला बाद वालो इहदा मतलब है आलमीन बाद विच बणी, बनाउण वाला रब पहले मौजूद, आलमीन बाद विच बनाई अल्लाह पाक ने, बनाउण वाला पहले मौजूद है। हुण जुमला आशिका वल मैं अर्ज करना चाहना, आलमीन बाद विच बनाउण वाला पहले है। अल्लाह फरमांदा सोणिया जिवें मैं पहले आलमीन बाद विच, सोणिया तेरी रहमत पहले आलमीन बाद विच बनावांगा। आलमीन नहीं बने, अजे आलमीन 18,000 मतलब पहले रब मौजूद है, मुहम्मद की रहमत नूं भी रब ने पहले पैदा फरमाया है। अच्छा हुण जिहड़े बैठे हो ना, मैनूं बोल के दसणा, मां पहले या पुत्र पहले? बोलो, मां पहले या पुत्र? मां पहले है ना। जे कुदरत वाला कादर कदीर चावे ते बगैर मां तो आदम नूं पैदा कर सकदा है, बगैर बाप तो पैदा कर सकदा है। कलमा पढ़ने वाले हो, सारिया ने सलाम की उठनी अल्लाह पाक ने पत्थर विचों पैदा फरमाई, चाहे आलमीन बाद विच, मां पहले ते पुत्र बाद विच, मोहताज बाद विच आया, मोहताजुन अलै पहले। थोड़ी जी तहकीकी गल्लां भी सुनिया करो ना, मोहताज बाद विच, मोहताजुन अलै पहले, इहदा मतलब सानू जमीन की लोड़ सी, अल्लाह ने जमीन बना दी साडे आन तो पहले बने। अल्लाह पाक ने आसमान नूं पैदा फरमाया,
अल्लाह पाक ने जनाब सूरज नो पैदा फरमाया, एदा मतलब है मोहताज बाद विच आया, मोहताज अलग पहले मौजूद है। अल्लाह पाक ने साडियां लोड़ां पहले जनाब पूरियां फरमा दित्तियां, जमीन बनाई, आसमान बनाया। अल्लाह पाक ने फरमाया उन शिद्दत ते हिद्दत दीयां भी लोड़ां ने। अल्लाह पाक ने सूरज नो पैदा कीता रात दे विच, चंद नो पैदा कीता, तारियां नो पैदा कीता, फैसला पानी उह नबी पाक दे चेहरे तो चानण, सूरज लैंदा पिया ते सूरज अगे चानण, चंद देंदा पिया ते चंद अगे चानण, तारियां नो देंदा पिया। इहदा मतलब है सारी कायनात विच फैजान नूरे मुस्तफा दा ही तकसीम हो रहा है। असी रल के आखिर आखा गया आगे आगो नूर वाला जिसका सारा नूर है, आगे आगो नूर वाला जिसका सारा, आगे आगो नूर वाला जिसका सारा नूर है, रल के आगे जो ना आगे आगो नूर वाला जिसका सारा। अच्छा सोना आया ते जमीन बनी आसमान, अच्छा और आलिम ते असी आया ते सब कुछ बने हैं, असी मोहताज हैं। मेरा नबी सवाए अल्लाह तो किसी का मोहताज है, सवाए अल्लाह तो मेरा नबी मोहताज ही किसी का नहीं। सारी दुनिया मेरे समेत तुहाडे समेत असी अल्लाह दे भी मोहताज हां, मदीने वाले मुस्तफा दे भी मोहताज हां। मैं चोरी चुके दुआ करना या अल्लाह दुनिया के पुत्रां दा भी मोहताज ना करी, किसे भरा दा मोहताज ना करी, मौला मोहताज रखी या अपना रखी या अपने हबीब दा रखी। चलदियां फिरदियां दुनिया तो चला जावां, रब्बुल आलमीन मोहताजियां चंगियां नहीं लगदियां, पुत्र भी तंग आ जाते ने, धीआं तंग आ जांदियां ने, रिश्तेदार तंग आ जाते ने। मैं अपनी इन्हां जनाबे वाला गुनाहगार अखां दे नाल, इन्हां गुनाहगार कन्नां दे नाल बंदियां नूं वेखिया ते कहिंदियां सुणिया, उन्हां कहा अल्लामा साहब दुआ कर दिओ या मेरा बेटा सेहतमंद हो जाए, या अल्लाह मेरे बेटे नूं पर्दा अता फरमा दे, या मां दुनिया तो चली जाए या अल्लाह पर्दा दे दे, या अल्लाह सेहत अता फरमा दे। अक जांदे ने, थक जांदे ने, सजणो नहीं जे थकण वाला, नहीं जे अकण वाला। टकाया कर, जे मत्था टका देवेगा मैं तां भी माफ कर देंगा, जे तौबा वास्ते हाथ चुक लेगा मैं तां भी माफ फरमा देंगा। अच्छा अल्लाह पाक ने आलमीन बाद विच बनाए, रब है, बोलो रब, रब है। साडे नबी दी रहमत रब ने बनाई, साडे नबी नु रहमत बनाया ते किने बनाया, अल्लाह, अल्लाह ने किसे अल्लाह नहीं बनाया, बोलो अल्लाह ने किसे अल्लाह, ए तौहीद साडे कोल भी सुनो, अल्लाह ने किसे अल्लाह नहीं बनाया। उस जाती जात ए हकीकत उलूहियत ए आपे, मेरे करीम आका दा कलमा पढ़ने वाले हो, सारिया सिफातां मेरे नबी नूं अल्लाह ने अता कीतीआं। जो अल्लाह शाना दे वे ते सड़ी दा नहीं बली दा नहीं, सरकारे कायनात दीआं सिद्के सिद्के दिन दे नाल शाना नूं मन लईदा। अल्लाह फरमांदा मैं वा रब्बिल आलमीन, मेरा यार ए रहमत लिल आलमीन, सोहणियां आलमीन बाद वी बनावांगे, सोहणियां मैं बनाण वाला, तू बनण वाला, मैं तेनूं शान देण वाला, तू शान लै के आण वाला, मैं तेनूं इलम देण वाला, तू इलम लै के आण वाला, मैं कमाल देण वाला, तू कमाल लै के आण वाला। सोनिया महबूबा तू मेरे नाल गल करना जरा, मेरे दिया खुदा कोई नहीं, तेरे दिया मुस्तफा कोई नहीं, जिथों जिथों तक मेरी खुदाई होवेगी उथे उथे तक तेरी मुस्तफाई होवेगी। दोवें जातां अजे आलमीन नहीं बने, दोवें जातां मैं ते हदीसां पढ़ांगा, हदीस पढ़ांगा इंशाअल्लाह। दो जातां अजे आलमीन नहीं बनिया, अल्लाह फरमांदा सोनिया मैं आलमीन दा रब, तो आलमीन वास्ते रहमत, खुदा की अज़मत क्या है। जिन्हें नहीं पढ़ना, तंग करना है, सोना है, वो पीछे आ,
फिर मैं दो चार मिनट बाद जगा दियांगा, हिला दियांगा, फिर परेशान हो गए बिस्ती हो ये, वो पीछे आ गया। सौ खराटे मारो, समझ लगी जी वो मैनू तंग ना करो, मेरी तबीयत तंग भी हो गई ते मैं कोई कोई तय नहीं कर रहा, क्यों तय करना कोई, मैं ते सारे नबी रहमत पर अपनी उम्मत वास्ते साडा नबी ए रहमतल लिल आलमीन। बोलो तुसे रहमतल लिल आलमीन। कोई एक अलाकी दा रहमत, कोई दशा दी, कोई वीआं दी, साडा नबी अर्शियां वास्ते भी रहमत ए, फर्शियां वास्ते भी रहमत ए, सब वास्ते मेरा नबी रहमत बन के आया। अल्लाह फरमांदा सोणिया है कोई नहीं सिवा साते खुदा सी, सरकारे करना ते सिहाबी खड़े हो गए, सोनिया फलहर दिया दुर्फावा दिया कदों दे नबी बनी हो, फरमाया क्या चाह मेरो इन्नल्लाह ताला खाला का कबल अल अशियाए नूरा नबी ये कमिन हो रही है। प्यारे जाबर अल्लाह ताला ने हर चीज़े पैदा करने तो पहले तेरे प्यारे महबूब ने नूर नो पैदा फरमाया जी, अल्लाह पाक ने नूरे मुस्तफा नो पैदा फरमाया, आलमीन तेरे बाद दे वजूद विच नहीं आई, अल्लाह पाक ने यार ना नूर पैदा फरमाया और नूर पैदा फरमा के फरमाया कुन तो कंदन मखिया मैं छुपा होया खदाना सा, फा अहमद तो मैं चाया साहिर हो जावा, बस साहिर होना एक कोई तरीका बनाया, अपने यार ने चेहरे ते नजरा कुदरत ने टका के फरमाया, कोई नहीं मनन वाला ते ना होवे कोनी हबीबी चल तू ही मेरा यार बन जा। बोलो सजदे करने वाले पैदा नहीं हुए, तस्बीहां करने वाले, तहज्जुद में जागण वाले, जिन्हें दाता बनना सी, खाजा बनना सी, मेहरे अली बनना सी, जिन्हें नबी बनना सी, अजे पैदा नहीं हुए। ते बस अल्लाह फरमांदा दो जाता मां, एक खुदाई एक मुस्तफा, तू मेरा यार बन जा, तू मेरा बेली बन जा, तू मेरा महबूब बन जा, आपे बनाया रबी आप बनाया ए, दिलदारी बड़ा सोना रब आप दिल, क्या बात है रबी आप बनाया ए, जेड़ा जेड़ा कभी ना पसंद प्यार देना को ना देना वो या पे ना ले खुदी फरमा या ए मेरा सुभान अल्लाह। खुद साथ करे अपने पैर
रहमत ही करिए ना, रहमत पहले ते आलमीन बाद विच 40 साल बाद आन के रहमत नहीं नबी बने। मता को जी आमिना दी गोद विच आए, फिर उन्हें 25 साल की उम्र में शादी की थी, 40 साल की उम्र में निकाह होया, ते जिनों इलामे नबूवत सरकारी का है, 25 साल की उम्र में निकाह होया, 40 साल की उम्र में इलामे नबूवत होया, 40 साल बाद नबी बने नहीं, 40 साल बाद रहमत बने नहीं, जो कुछ नहीं सी उदो मेरा नबी नबी सी, उदो मेरे नबी की रहमत के ललकारे बज रहे सन, सरकार की आमद के झटके बज रहे सन, जो अजे कुछ नहीं सी उसने खुदा सी या रहमत के मुस्तफा का झटका बज रहा सी, सरकारे कायनात का कलमा पढ़ने वाले हो, मेरा नबी इस कायनात पे आ गया, बहारा ते बहार आ गई और रहमत लेके आ गया। अल्लाह फरमांदा सोनिया सारिया वास्ते असा इलाके वास्ते रहमत बनाया, तीनों नबियां वास्ते भी रहमत बनाया, तीनों अर्शिया वास्ते फर्शिया वास्ते रहमत बनाया, मेरा नबी आया ते हिंदुआ वास्ते भी रहमत बन के, सिखा वास्ते भी रहमत बन के, ईसाइया वास्ते भी रहमत बन के, सरकारे कायनात आए सारिया वास्ते रहमत बन के आए, इंसाना वास्ते भी रहमत बन के आए, हवाना वास्ते भी रहमत बन के आए, मेरा नबी सब वास्ते रहमत बन के आया, रहमत सारिया वास्ते है, लेकिन एहसान दी वारी आई, एहसान सारिया तेरे कीता, फरमाया ला कादिम इल्ला लिल्लाहु रहमत आलमीन दी। अच्छा मैं दसो नमाज ना पढ़ो अल्लाह इज्जत बंद कर दे, बोलो तुसी कर्ज वापस ना करो तो रोटी पानी पर आकर सके को कर्ज लिया ना लिया मेरा कर्ज जुदाइया पै गई, नमाज नहीं पढ़ी अल्लाह इज्जत बंद नहीं कर दिया, वो बदले नहीं लेता, रब सालम नहीं है, वो करीम रात है। अल्लाह फरमांदा है मेरा यार भी असमत वाला है, शाना वाला है, जिवें मैं रिजक वाला बंद नहीं करांगा, मैं पत्थरां नूं कीड़ियां विच वी रिजक देण वाला वां। अल्लाह फरमांदा है मन्ने या ना मन्ने मैं आलमीन का रब, इस तरह कोई जनाब सब वास्ते मेरा नबी भी रहमत लिल आलमीन है, सरकारे कायनात का कलमा पढ़ने वाले हो लेकिन आलमीन वास्ते रहमत नबी बन के आया, ये शान सिर्फ नबी पाक की आशिका ते होया, जिन्हां चढ़िया भी लानिया सन, झंडे भी लगाने सन, तुंगे भी लगाने सन, रजा बाजी सरदार नंबर गली विच बैठ के आका करीम दा मिलाद करना सी, अल्लाह पाक ने उन्हां नूं फरमाया मचल जाओ, लगा दिमा मिलना मिला हो एहसान फरमा चढ़िया आ गया, मेरा नबी रहमती छुप मार के आ गया, मारा रबी उलवी सवेरे आया, आमिना पाक की गोद विच आया, अब्दुल्ला का लखते जिगर बन के आया, सिकदा आमिना कहंदियां ने जदों मेरा नबी आया, बहारा ते बहार आ गई, सरकारे कायनात दा कलमा पढ़ने वाले हो आमिना दी गोद तनों सजाण सोना आ गया, मेरे वाल वेखो ना चुप पुत्र बोलिया जी मेरे अगे बैठ गए, मैं हुणे तुहाडे अल चक्कर लै के आउणा, मैं तुहानू इजाजत दे दित्ती है नहीं बोलणा, लेकिन पिछले भी पढ़ लै, मैं की गल कर रहा, सुभान अल्लाह, सरकार दा कलमा पढ़ने वालो आमीना दिगो दिनों सजान सोना आ गया, मेरे नाल साथी आए गड्डी दे अंदर, कहता तेरा पुत्र ना आया, नींदर नहीं आउंदी, मैं सोची पै गया उदो तेरा लाल ना आया, तीनों रात नींदर नहीं पैंदी, इहदा मतलब है तेरा पुत्र तेरी गोद दी बहार है, जिहदा पुत्र गोद दी बहार पंज राती जागदा रहिंदा है, जिक्रे मुस्तफा ते तेनू नींदरां कादे वास्ते आउंदियां ने, जा के आखनाइयां मीना दी गोद तेनों सजाण सोना आ गया,
को तेनो सजाण सोना। अच्छा सोना रहमत बन के आ गया, बोलो रहमत बन के आ गया। नबी करीम सवारी के सवार ने बुखारी की हदीस से पाक सवारी के सरकार सवार जी आए और अहलम व सहलम मरहबा हुजूर सरकार आए, सरकार की सवारी जा रही, बोलो सरकार की सवारी जा रही है, सवारी के सरकार बैठी हुई नहीं। अचानक मेरे नबी की सवारी दबक गई, अचानक मेरे आका की सवारी डर गई। सरदारे कायनात दे गुलामां दी अर्ज़ी कीती सोहणिया सवारी तरीका दे वास्ते वे। सरदारे कायनात ने फरमाया ऐ कबरां वालिया नूं कबर दे अंदर अज़ाब हो रिहा है, पता नहीं तुसा बोलना कि नहीं बोलना, लेकिन मेरा चुभला याद जरूर रखना। आका जाने ने फरमाया जाने जाना मदीने वाली सरकार ने फरमाया गुलामो है कबर वालिया नो कबर विच अदाब होता है पिया। सरकारी कायनात ने बाहर खलो के अंदर दिया खबर का फरमाया तरकाओ करके फुला दिया पत्तिया सुट के आने असी बिलकुल कबर नो बिलकुल लिप लेप कर देने कबर विच रोशनदान नहीं होगा खिड़की नहीं होंगी। सरकार बाहर खलोती अपना मेरे कबर वाले नो कबर विच अदाब हो रहा है। सरकार जान देनी हुण आज को तुसी एक बारी मेरा मजा देना ना बाकियां नाल साडी गल ही नहीं। जे नबी बाहर खलो के अंदर दे खबरां जानदा है, जे नबी कबर तो बाहर खलो के कबर दिया अंदर वाले हालात जानदा है, अज गुंबदे खजरा विच लेट के रज़ा मान वालियां दे मिलाद दा हाल भी आका जानदे ने। सरकार जान दे बोलो आका बोलो ना आका मौलाना हसन दादा बोले जो सुनने का अंदाज हो गया अगे एक बार खुश होके बैठी है वाह वाह क्या बात है खुश खुश होके बैठी है खुश होके ना थोड़ा जा बासी ले ड्राइवर उठा के पीछे पे चढ़ जाता पीछे चल मैंने भी थोड़ी देर बाद नींदर आ जाएगी। करीम आका दा गुलाम मौलाना हसन सदा बोले कहन लगे बंदा मिट्टी किबला शाह जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨੇ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਬੰਦਾ ਮਿੱਠੇ ਜਾਏ ਨਾ ਕਾਪੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਆ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮਿੱਠੀ ਜਾ हो जो गुलाम से गोया का क्या है बेखबर हो जो गुलाम से गोया का क्या है। हसन दादा फरमांदे ने अल्लामा इब्ने अल्लामा कह रहे ने बेखबर हो जो लब हलाया कर बंदा मिठी जाए ना कापे तो बंदा क्या है बेखबर हो जो गुलामों से बोया का क्या है।
पहचान दे दे मेरा गुलाम मेनू किस रंग विच याद करदा है पिया लोकी बातें करदा पिया वा सजदा आमीना दी गोद दे अंदर रहमत दी छम मार के आन वाला सजा के गोद कायनात दे वरदान तकसीम करदा है पिया आका करीम ने उस कब्र ते खलो के कब्र दे अंदर दे हालात दीआं खबरां दित्तीआं आका जानदे ने जे सरकारे कायनात कब्र दे अंदर दे हालात जानदे ने फैसला पाजियो भरिया करो आका करीम दी दात ते दो दो सलाम उम्मत ए खदरा विच लेट के मेरा नबी आशिकां दीआं खबरां भी जानदा है। क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने मैं आवां या तुसी होवो अहद कर लो अज तो बाद सुबान ते ओ गल ल्यावांगे जिहड़ी सच्ची होवेगी हक होवेगी सच होवेगी सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करके अगे बात नहीं तोड़ेंगे अल्लाह सब नु गीबत तो भी महफूज रखे ते पेशाब दे कतरात तो भी अल्लाह महफूज रखे तहारत का अच्छा इंतजाम करया करो सरकारी कायनात दे सियाबर्श कर दी आका हुन इना दे गुनाह दी वजह नाल इना नु अजाब हो रिया आका सी हुन अजाब देख के टुर जांगे मेरी आका मौज विचार के फरमान लगे जे साडे आयांगे इना नु फायदा ना पहुंचे सरकारी कायनात ने फरमाया मैं रहमत लिल बोलो रहमत लिल सामने ना खजूर दिया टहनिया तोड़ के सोची लिया कोई इंतजाम करी डंडा लिया बिगड़िया तिगड़िया का डंडा पी सुनी जी मिसाल कहावत साडी कि साडे चट्टा दी जबान दे विच कि बिगड़िया तिगड़िया का डंडा पी सरकार फरमाओ तू सोची लै के आओ सियाबा हैरान हो गए सरकार सोची की करनी है अगली वह कबरां विच अजाब विच फसे ने होर सोची मंगे सरकारी कायनात दे कुछ सोचियां शाखां आ गईयां हरियां भरियां सरकार ने एक उस कबर ते गढ़ दित्ती एक उस कबर ते गढ़ दित्ती फरमाया जदों तक गड्डियां रहण गईयां कबरां वाले नूं फायदा पहुंचदा रहेगा डंडे फायदा देणगे सोटियां फायदा देणगियां ये डंडे फायदा देणगे या सोला के डंडे किस तरह फायदा देणगे आका जाने ने फरमाया सुभानी लाहिमा फिसमावात वल अर्ज हर चीज अल्लाह ताला दी तस्बीह और तहमीद बयान कर दिए जितनी देर तक ये तस्बीहां पढ़नियां रहनगियां कब्र दे उते ये छोटियां घड़ियां रहनगियां कब्र ते जिक्र करदियां रहनगियां दा फायदा कब्रां वालियां नूं पहुंचदा रहेगा जे छोटियां जिक्र करन ते कब्रां वालियां नूं फायदा पहुंचदा है ते जे पुत्तर जिक्र करे बेटा जिक्र करे ओदे मरने वाली मां नूं ओदा फायदा क्यों नहीं हो सकदा बाप नूं ओदा फायदा क्यों नहीं हो सकदा इहदा मतलब ए मां दे पिछे पुत्तर जिहड़ा दुआवां मंगण वाला होवे बेटा दुआ करन वाला होवे अल्लाह ताला मापिआं दी मगफरत फरमा दिंदा है सरकारी कायनात ने फरमाया लोगो इस तरह मैं अदा वेख के चला नहीं जावांगा क्योंकि मेरी शान ए रहमत आलमी दरवाजे दीवार चिड़िया बैठी बोली भी बोल गई सियाबा ने उसकी चिड़िया की पी कहती निजार भाई मेरे वाल वेखना में परेशान ना हो तुहाडे च कोई पढ़िया लिखिया बंदा इहदी ट्रांसलेशन करे जरा ई जिहड़ी
ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਚਕੇਰੇ ਸਾਂ ਐਸੇ ਅੱਗੇ ਦਾਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜੇ ਚਕੇਰਾ ਅੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਬਾਲ ਨਗਰ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੁਮਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਖੁਰਕਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਟਿਲ ਲਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ ਜੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾਥ ਖਜਰ ਨਾਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ ایک باری پڑھیا جائے میں چوک بندے نو پھر ویکھنا وہ بولدا ہے کہ نہیں بولدا۔ ایوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء جی کتنے بھول جاواں تے مینوں دس دینا رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے۔ مسجد نبوی کی مینار نظر آئے نات میں سوال آ جا نبی پاک شفتوں سے کدی سوال نہیں آیا، شانا بول جی نات ہی آئی چند دن پڑی گئی، اس کو بعد نات کا چھوڑ کے نوا کلام پرانی جہاں ان لوگ آدھے سن سن کے کان پک گئے۔ قبلہ شاہ جی شیخ القرآن ابو الحقائق مولانا پیر عبد الغفور ہزاروی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ القرآن آپ ایک شعر نو بار بار پڑھ دے، بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا تے بندے دی بھی بڑی قسم ہوندی ہے، انہاں کہ جی ایک شعر نو بار بار پڑھی جاندے تو اور کوئی شعر نہیں ہوندا، اور نہیں شعر ہوندا کہ شیخ القرآن فرمان لگے ماں نو پوچھن ٹپڑے دے تو رب نو پوچھ جس بار بار آ کے فبی ایک ہی آد آئے رب کو ماں تو کر سکے بار پیار نات پہلے نات کا سر لگا پیا تے سر کا بھی پتا لگ جا سان پتا نہ لگیا، لیکن میں پھر سنیا کا جو کہ چوکیدار ہاں میں وہ جواب دیتے کہ نکل گیا میں مدینے والے دے غلامیاں اور سدھے ہو کے بیٹھ سرکار کی ناچ رون لگی ہے، ہوں اس رستہ پہ دستی ہے اس رستے تو جانا ہے، یہ مطلب ہے ساری کائنات کا سدا دینا، سکھرے خدا بھی کرنا سکھرے مستفا بھی کرنا پیا، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہنا کدی قرآن بھی پڑھیا کرو حدیث پاک بھی پڑھیا کرو آقا جانی دیا شانا سوال کریا کرو، وہ جتیا یار یہ بولیاں بھی بول دیے لیکن اسی ٹرانسلیشن بیک کر کے تے نہیں جانتے، جتیا بولے تھے سن بولیاں کا پتا نہیں لگتا، نبیاں کا سلطان حسنین کا بابا فاطمہ دے بابا جانتے رہے سواری میرا نبی پہچان جاوا چڑیا چو چو کر کے بولی بولے میرا نبی چڑیا کی بولی بھی جان جانا ہے۔ چو چو کر کے بولی بولی
ਸਿਆਪਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸੁਣਦਾ ਕੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੌਂਸਲਾ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਰਖਤ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਰਖਤ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਝੁੰਮ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਤਾਜ ਸਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਖਲੋ ਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੱਗ ਜਾਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਲਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਖਲੋ ਜਾ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾ ਲਏ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੋ ਸਰਦਾਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਨਬੀਓ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਦੀ ਲਕਬੀ ਪਾਨੇਵਾ ਅਲੇ ਵੋ ਨਬੀਓ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਦੀ ਲਕਬੇ ਪਾਨੇਵਾ ਅਲੇ ਮੁਰਾਦੇ ਗਰੀਬੋ ਕੀ ਪਰ ਲਾਨੇਵਾ ਅਲੇ ਵੋ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਕਦਮ ਖਾਨੇਵਾ ਅਲੇ ਵੋ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਕਦਮ ਖਾਨੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਉਮਤੀਓ ਮੈਂ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀਸ ਪੜ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਮਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਬੀ 17 ਮਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਏ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਰੰਗੀਨ ਤੇਰੀ ਮਹਿਫਲ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਬ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਪਿਆਰੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ ਵੇਖੀ ਜਿਸ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਰਨੀ ਬੱਚੀ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਹਰਨੀ ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਏ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਸੇ ਰੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਟਕਾ ਕੇ ਕਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਾਲਾ ਕੱਲ ਫਿਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੋ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈ ਚਲੋ ਹਰਨੀ ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਏ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੰਗੀ ਹਰਨੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਲਜਪਾਲ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਟੋਰਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੁੜਾਵੇ ਗਰੀਬ ਪਰਵਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬ ਪਰਵਰੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇੱਧਰ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮਾਰ ਨਾ ਤਰਾ ਮੈਂ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਹਬੂਬੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇ ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਹਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹਰਨੀ ਕਹਿ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਯਾ ਰਸੂਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੇ ਕਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਹਸਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਚੌਧਵੀਂ ਰਾਤ ਚੱਲ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਸਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚੌਧਵੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਚੰਨ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਮਤ ਕਾਇਨਾਤ ਆਪਣਾ ਜ਼ੌਕ ਨਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਮਾ ਲੈਣਾ ਇਲਲ ਬਲਾਗੁਲ ਮੁਬੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਵਾਦਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਦੋਂ ਹਰਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ ਮਦਦ ਫਰਮਾ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾ ਕਿਬਲਾ ਪੀਰ ਜੀ ਹਾਜੀ ਅਮਦਾਦੁੱਲਾ ਮੁਹਾਜਰੇ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁਜੱਦਦ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਹਾਦ ਫਸਿਆ ਨਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਯਾ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਉਹ ਭਲਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਚੋਲੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਜੀ ਅਮਦਾਦੁੱਲਾ ਵਾਹਬੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁਜੱਦਦ ਕੀ ਆਂਦਾ ਆਂਦਾ ਐ ਰਸੂਲੇ ਕਿਬੀ ਨੀਹਾ ਫਰਿਆਦ ਹੈ
शोले की भी दिया फरियाद है, रसूले किबरिया फरियाद है, ऐ मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है, ऐ मेरे मुश्किल कुशा फरियाद फरियाद है, ऐ मेरे मुश्किल कुशा फरियाद। सोनिया मेहरबानी फरमा हाजी अब्दुल्ला मुहाजिर मक्की कहंदे होए ने, सोनिया सारी रात इंटरनेट अगे बैठ गए, सारी रात आया जी दे फहाशी ते खोता नाल हो गए, असि इस कदर मस्त हो गए हां, जिक्रे खुदा ते जिक्रे मुस्तफा विच मचलन नु भी मोहर नहीं बंदा। सोनिया या ना गरीब महफिल सजा के बैठ गए ने, करम दी निगाह पा, जे तेरी निगाह पै गई साडा बेड़ा इत्थे भी पार हो जाएगा, साडा बेड़ा अगे भी पार हो जाएगा। सोनिया करम फरमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ यहूदी आ गए इनू रिहा क्यों नहीं करदा, सच्ची या अब्दुल्ला मैं शिकार कीता है जायज समझ के कीता है, जे नजायज होता तो कभी ना करदा। आगा करीम ने फरमाया फिर धरनी है हुण तेरी की तमन्ना है, आगा जानी मेरे कणा वल निगाह मारो ना ते दुध भरे है। फरमाया फिर या रसूलल्लाह मेरे निक्के निक्के बच्चे, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, मेरे निक्के निक्के बच्चे ने, तुसा माहौल चेक करना, तुसा अपने पड़ोस पड़ोस स्टेट दा ते अगे दा माहौल चेक करना, ते मैं तुहानू तारीख लैण लग्गिया अगली वारी दसांगा केड़ा केड़ा बंदा माफ है ते केड़ा नहीं है। नट जंग लगा नहीं खुलता, फिर बंदा कारीगर तेल सुनदा सरसों का मिट्टी का तेल सुनता, फिर भी ना खुले, फिर हर वेले पलकारी वेखदिया रह, अयाशी करदिया रह, कल फहाशी दियां गल्लां सुनणियां पसंद कर लैण, फिर चस खत्म हो जाती है। मेरे वल तकिया जे तेरी अख दा इशारा मेरी जिंदगी खबर भी लवा ना दरा, तेरी अख दा इशारा मेरी जिंदगी पर ना गया, तेरी अख दा इशारा मेरी जिंदगी। हूं जे तू गल की ना तो मैं 250 बच्चे नु पढ़ाऊंगा, तेरी अख दा इशारा मेरी जिंदगी पर खतीब नु बुलाइए ना, अंदाज बनाई दे, साध बने, सोच बनाई दे, एक बारी प्यार के नाल किसे दी महफिल नु खराब भी नहीं करीदा, तेरी अख दा इशारा मेरी जिंदगी बना गया, तेरी अख दा इशारा मेरी क्या बात है यार, फिर हम बनाएगा क्या जवानी जवाना तेरी, तेरी अख दा इशारा अगे बंदे कस ला रहे सन।
ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਜ਼ੂਮ ਸਨ ਮੈਂ ਤੇ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗੱਡੀ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕਿੱਥੇ ਤਪਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਚੁੱਲੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੂਜੂ ਹੋਵੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਰਕਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਰਸ਼ਦ ਰਜ਼ਵੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੋ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਿਦਾਰ ਹੋ ਜਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਏ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਫਕਰ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਥੱਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਰਦੇ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ ਰਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੋ ਇਹ ਗਲਾ ਖੁੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਫੁੱਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਬਹਾਰਾ ਬਖੇਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਕਿਆ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਨ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾਈ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਨ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਨ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਹੂਦੀ ਆਕੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਲਤਜਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆਕਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਸੋਹਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਵਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਥਣਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਯਹੂਦੀ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਛੁੜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੁਪਾਇਓ ਉਡਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੁਪਾਇਓ ਉਡਾਵਣ ਉਹ ਫੇਰ ਕਦੀ ਨਾ ਫਸਦੇ ਨੇ ਤੋ ਜਿਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵਸਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਇਓ ਉੱਡੇ ਜਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਵੇ ਛੁੜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਛੁੜਾਵੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਛੋੜ ਦੇ ਆਕਾ ਜਾਨੀ ਨਾ ਛੁੜਾਓ ਫਰਮਾ ਛੋੜ ਦੇ ਜੰਪ ਮਾਰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਕਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਈ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਗੈਬ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਤੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰ ਛੜੇ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਆਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਕਰੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਆਖੋ ਆਮੀਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਰਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੱਥ ਚੰਗਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੱਥ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਜ ਹੱਥ
बड़े ही चंगा है। मेरा दिल करता मैं दुआ करना सखी बन जाओ अस्टेज तो लैके पिछे तक औलादे बतौल बैठे हुए ने। मैं पैगाम देना चाहता ऐ हाथ वास्ते दवाना ना करया करो ऐ हाथ दीन तजा करया करो। किसे चौधरी नो वेखो रब्बुल आलमीन हसद बिल्कुल ना करना कीमत बिल्कुल ना करना। हसद करके अपने आप खून सार के फायदा की होवेगा। हसद स्टेज होवे या सामने होवे कभी ना करया कर ता त्या करो वाह वाह सुभान अल्लाह क्या बात है मौलाना क्या बात है तुहाडी। लेकिन सजनों याद रखना जरा आख्या करो या अल्लाह चौधरियां नु अता करने वाली आ आलमां नूं इलम देण वाली आ बलियां नूं फलह देण वाली आ। मौला तेरे खजाने च तादी कमी है जे लाहौर वाले नूं दाता बनाई आप पतल वाले नूं गानी शकर बनाई मोहीउद्दीन अजमेर वाले नूं गरीब नवाज बनाई। रब्बुल आलमीन तेरा जांदा कुछ नहीं असी तेरी बार में चोरी फैला के दुआ करदे आं या अल्लाह मेहरबानी फरमा तू नमाज नफल शुरू कर दे अल्लाह तेनों अपना कुर्ब अता फरमा देवेगा। अल्लाह कुर्ब अता कर वो चली गई जाके दूध पिलाया ते वापस आ रही सुभान अल्लाह। उनकी शिकारी जेड़ा ना सरकार को कहंदा क्या असी ना तुहानू ना छुड़ाओ नहीं जे आई रहमत की कायनात मुस्करा के फरमान लगी मैं इथे मौजूद हां मैं मौजूद हां साडी गारंटी है मैं केड़ा टुट गया। हुण हरनी दुध पिला के वापस रसूल दे कदमा वल आ रही है हाजी साहब चौधरी साहब छोटे बड़े जितने जनाबत दे बैठे हो मेरा जुमला मोहब्बत दे नाल सुनना। अकल कहण लगी फिर फसण लगी अकल जेड़ी है ना बंदे नूं टेढ़ा मेढ़ा कर दे दी। हरनी आण लगी सरकार वल अकल बोली कहण लगी फिर चली है औखियां हो गए खुदा दी करनी नबी पा के आ गए जे छुड़ा दिता हुण आप जाके फसल लगी इश्क दे आखिया कोई चली तुरी चल रुकी ना तेरा सामन आमिना दा लाल बन गया है तेरी गारंटी हसनैन दे नाना ने अता की थी। चल रुकना नहीं अकल आके ना जाए काबू आ जाएगी या छुरी थले आ जाएगी या ओदे जाल विच आ जाएगी इश्क ने आखिया चल तेरा गारंटी जेड़ा मदीने वाला सामन मदीने वाला हर नहीं आ रही है सोच भी आ रही है। किबला शाह जी खड़ी दा बादशाह बोलिया रूमी कश्मीर आ बोले आपने फरमाया ना दो अड़िए गरिमा सड़ी ते कुछ कर सबरी सुदैने यारी लाके ते पैंदे नी दुखी सहने बेपरवाह ली ओ यारी लाके पैंदे नी दुखी सहने। जंप मार दी आ रही है अगे यहूदी कहंदे सोनिया तुसी दामन बन गए नहीं दे आई सरकारे कायनात ने फरमाया एवें गल्लां करना नहीं आई आओ सामने वेख ले अपने बच्चियां नूं दुध पिला के मुहम्मद दी बारगाह च फिर वापस आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी सैयदी मुर्शदी करीम आका दे कदमां दे उत्ते सर टका दिता। पुत्तर नूं सदे ना मौलाना अरे मौलाना बिल फजले मौलाना पौना स्पीकर ला के रौला पुत्र नूं सदे ना पप्पू इधर आ मुन्ने इधर आ मुन्ना नहीं आखे लगदा पप्पू नहीं आखे लगदा। हरनी रसूल दे बूहे ते आ रही शिकारी भी
कोल जमानत छुड़ाया सी आका आ गई वादा वफा कर रही हैं पर मेरा नबी भी देखो हो ना जरा अशर तक वफा फरमान वाला है आका करीम की बारगाह जी आ गई आके कदमा ते सर टका दिता सरकार दे कदमा ते सर रखिया सरकारे कायनात ने फरमाया ओ दस ना यहूदिया किन्ने दी इनो आजाद मैं करना चाहना इन्हें सरकार अगे इल्तजा की मुहम्मद मुस्तफा अगे इल्तजा की हुण यहूदी कहना आका बाद में गल्लां करांगे सोनिया मैं अपनी कुली विच तेरे चेहरे दे बंदर वेखना पिया वा जो जंप मार दी जा रही है नाले सरकार दिया नाता पर दी जा रही है सरकार दिया सिफ़ता कर दी जा रही है सोनिया तुसा मिनो चार तू आजाद कराया है अल्लाह तेरे कलमा पढ़ने वालियां नु दोज़ख दी अग तू आजाद फरमा दे सुभान अल्लाह अग तू आजाद फरमा दे जेड़ा जानवर वास्ते रहीम करीम है वो बिलादियां वास्ते कितना रहीम करीम होवेगा कितना करीम होवेगा खुदा की कसम उठा के कहना इंतजार कर मंडी काम हो गई मंडी काम हो गई 2008 का बाकी है मंडी काम हो गई मिलाद शरीफ का जुलूस जुलूस तो पहले बाजार सज जाते उन्हें केलिया के दरवाजे बनाए केलिया के दरवाजे बांस लगाए उत्ते सीढ़ी लगाई उन सजाना चाहिए एक फैक्ट्री विच काम करने वाला ऐसा बुजुर्ग आदमी अगे रोटी का डब्बा बनया तो सैकल चलांदा चलांदा बाजार विच जा रही है सबब ऐसा बनया जेडे उत्ते काम कर रहे सन लड़के वह भी गिर गए ये सीढ़ी भी गिरी जेडे बोल सन वह भी गिरे बुजुर्ग के उत्ते आ गए ये वाकया हाजी अबू दौद मुहम्मद सादिक साहब ने रजाए मुस्तफा विच भी नकल फरमाया वह जिसने बुजुर्ग का नाम चूकना टुट गया है चोट आई बड़ी शरीर अस्पताल खड़िया जो अस्पताल लै गए ना ब्लड लगाना चाहिया हूँ वो काम करने वाले रोजाना बहस करते सन बड़ा नवीन वादा मार दियो बड़िया नवीन वादा मार दियो बड़िया रसूल दियां गल्लां कर दियो अगर आना तेरा इस बदम में एक बार हो जाए तुम्हारा क्या बिगड़ता है हमें दीदार हो जाए सोनिया आ जाओ ना तुहाडी ईद होवेगी असा गरीबां दी ईद हो जाएगी आना चाहन के सरकार वास्ते मुश्किल बोलो मुश्किल लेकिन उस वास्ते अकीदत मोहब्बत अंदाज अपना के दिल दी सेहत बचा के सेहन और दिमाग के तरीके अंटी ने सरकार के गुमद खदरा बल करके उड़ी के वेखा बना अल्लाह की कसम उठा के कहना मेरा नबी बड़ा ही लजपाल है बोलो मेरा नबी बड़ा ही लजपाल है उस लजपाल आका का मिलाद हर साल कराने वाले हो लेकिन हूँ माहौल ऐसा रखियो अव्वल शरीफ का मुसलसल दो प्रोग्राम एक घंटे के उत्ते डॉक्टर भी कहते हूँ तुम तकरीर ज्यादा ना फरमाया करो इस वास्ते मैं इसके बावजूद भी सवा घंटा आपकी खिदमत अंदर हाजरी दे के तो मैं थोड़े न गुजारिश करा पांच वक्त की नमाज अपने चेहरे सुन्नत के मुताबिक सजाओ और सरकार के सच्चे ते पक्के गुलाम बन जाओ जिस तरह इस साल तुसा सरकार का मिलाद किया है जल्दी के नाल 11 बजे तो पहले पहले दुआए खैर इस तरह अपन महाफलों सजाओ रौनक बड़ी बन जाएगी इंशाल्लाह वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।